शामिल होने वाले हैं और मैं इनको अपनी तरफ से मुबारक करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारी रियासत के बच्चे रियासत के लिए तमगे लाएंगे और रियासत का नाम रोशन करेंगे। डॉक्टर साहब इसमें मुझे सियासत कुछ नहीं, नहीं नहीं सियासत पे नहीं, इसी पे बात कर रहा हूँ कि इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उन्होंने उनको मदद नहीं की, मावनत नहीं की, जिसकी वजह से वो गरीब घरों के बच्चे हैं वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? तो जो पैसा इनको 40,000 के करीब लग रहा था वो एफर्ट नहीं कर पाए क्योंकि इनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। अरे यार कमाल, देखो ये है स्पोर्ट्स काउंसिल, मैं गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखूंगा इसके बारे में, आज ही लिखूंगा। अगर मुझे कल मालूम होता तो मैं इफ्तार पार्टी में गवर्नर साहब से उसे बात कहता कि हर एक का हक है, गरीब का भी इतना हक है जितना अमीर का है, और मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नर साहब इस पर तवज्जो देंगे और गरीब बच्चों को भी मदद करेंगे कि वो इसमें शामिल हो सके और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। सर टॉक्स को लेके आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? किसमें? सर टॉक्स को लेके, टॉक्स पाकिस्तान जो बातचीत के हवाले से, जो कल बातचीत सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जगह बना बेटी को जगह दे, मेरा आगे आ जाओ। हो गया? नहीं नहीं सर, मलिका नहीं दिख रहे हो, पापा ने ये तो सही मेरे मकसूद एजल इन आर्मेनिया हैज गॉट मेडल को थोड़े से रूस से ये फेडरेशन कप का मेडलिस्ट है। शुक्र, मुबारक हो आपको। चलो पेश, ये जनरल सेक्रेटरी है।